सुबह के 7:30 बजे हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है। अब आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं सेलबीसी का सबसे सुरीला कार्यक्रम पुरानी फिल्मों का संगीत। और आज के इस प्रोग्राम में हम एक महान कलाकार को याद करने जा रहे हैं, गुजरे दौर की लाजवाब अभिनेत्री मुनव्वर, स्वर्गीय मुनव्वर सुल्ताना जी। और इन पर फिल्माए गए आज के इस प्रोग्राम में आपको गाने सुनवाए जाएंगे, लेकिन इससे पहले छोटी सी जानकारी इनके बारे में देना चाहती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ। जानकारी देने से पहले, हमारे एक श्रोता हैं बेंगलोर के गजेंद्र खन्ना जी, जिनके जरिए हमें जानकारी मिली है मुनव्वर सुल्ताना जी के बारे में। और गजेंद्र खन्ना जी को उनके मित्र शिशिर कृष्णा जी के जरिए ये जानकारी उन्हें मिली थी। शिशिर कृष्णा जी को सौभाग्य मिला था एक बार मुनव्वर सुल्ताना जी से मिलने का और उनका इंटरव्यू लेने का। और अब मुनव्वर सुल्ताना जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी, मुझे लगता है हमारे पुराने गीतों से लगाव रखने वाले श्रोताओं के लिए बेहद आवश्यक जानकारी साबित होगी। 40 के दशक की बेहद कामयाब एक्ट्रेस थी मुनव्वर सुल्ताना जी। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हिंदी फिल्मों में नई ऊंचाइयां हासिल की। अपनी शोख अदाओं से लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बनाया और फिर अचानक अपनी गृहस्थी बसाकर फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए उन्होंने अलविदा कह दिया। समय बीतता चला गया। समय के साथ साथ धीरे धीरे हिंदी सिनेमा के उनके समकालीन लोगों तक के जहन से उनका नाम मिट गया। लोग उन्हें भूलते गए, भूल गए कि वो कहां और किस हाल में हैं। और आम धारणा ये भी बन चुकी थी कि मुनव्वर सुल्ताना जी शायद अब इस दुनिया में नहीं रहीं। लेकिन सच्चाई ये थी कि मुनव्वर सुल्ताना 15 साल पहले तक जिंदा थीं और अपने परिवार के साथ मुंबई के पाली हिल इलाके में रहती थीं। उनकी मृत्यु आज से 15 साल पहले यानी सन 1995 में आज ही के दिन हुई थी। 2007 में आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। और अब हम आपको मुनव्वर सुल्ताना जी पर फिल्माए गए यादगार गाने आपको सुनवाना चाहते हैं। आ जाके
दर्द फिल्म से उमा देवी की आवाज में आपने ये गाना सुना। नौशद अली थे संगीतकार और गीतकार थे शकील बदायूनी। बाबुल फिल्म से अब सुनिए अगला गीत। तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजें हैं और इस फिल्म में मुनव्वर सुल्ताना जी ने दिलीप कुमार के साथ अभिनय किया था और उन दोनों पर ये गाना फिल्माया गया है बाबुल फिल्म से। दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो, पूछो ना मोहब्बत का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। गम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, से ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, हर से ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आके दिल हुआ दीवाना। तो ये गाना बाबुल फिल्म से आपको तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजों में सुनवाया गया। अब जो गाने आपको सुनवाए जाएंगे उन फिल्मों में मुनव्वर सुल्ताना जी ने अहम भूमिका अदा की थी और शायद ये जो गाने हैं उन पर फिल्माए गए हों। तूफान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अगला गीत। संगीतकार हैं एस डी बातिश और गीतकार हैं कैफ इरफानी। Oh
प्यार की नींद चुराते हो, ये क्या करते हो, ये क्या करते हो, ख्वाब में हमको बुलाते हो। ये गाना तूफान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आपको सुनवाया गया। और अब अगला गीत मेरी कहानी फिल्म से, ये युगल गीत हम आपको सुनवाना चाहते हैं। गीता दत्त और सुरेंद्र की आवाजें हैं, के दत्ता ने संगीत दिया है और जिया सरहदी ने इस गाने को लिखा है। फूल बुलबुल को मिला फूल तो नदी को किनारा, हर दिल को है दुनिया में, हर दिल को है दुनिया में किसी दिल का सहारा। बुलबुल को मिला फूल तो नदी को किनारा, हर दिल को है दुनिया में किसी दिल का सहारा। लाए हुए कोई चलाता है मन में, कोई चलाता है मन में, करता है कोई चांद की खिड़की से इशारा, करता है कोई चांद की खिड़की से इशारा। हर दिल को है दुनिया में, हर दिल को है दुनिया में किसी दिल का सहारा। बुलबुल को मिला फूल तो नदी को किनारा, हर दिल को है दुनिया में किसी दिल का सहारा। मचला हुआ दिल अपना ये अरमानों भरा दिल, मचला हुआ दिल अपना ये अरमानों भरा दिल, कहने को हमारा है मगर है ये तुम्हारा, कहने को हमारा है मगर है ये तुम्हारा। हर दिल को है दुनिया में किसी दिल का सहारा। बैठे हुए हम गाते रहे प्यार भरा गीत, बैठे हुए हम गाते रहे प्यार भरा गीत, छा जाए तो
जमाने पे यही गीत हमारा आ जाए जमाने पे यही गीत हमारा हर दिल को है दुनिया में किसी दिल का सहारा एक टूटी हुई नाव है इंसान का जीवन एक टूटी हुई नाव है इंसान का जीवन अरमान नदी और मोहब्बत है किनारा अरमान नदी और मोहब्बत है किनारा हर दिल को है दुनिया में किसी दिल का सहारा बुलबुल को मिला फूल को नदी को किनारा हर दिल को है दुनिया में हर दिल को है दुनिया में किसी दिल का सहारा। अभी आप ये गाना सुन रहे थे मेरी कहानी फिल्म से गीता दत्त और सुरेंद्र की आवाजें थी और अब अगला गीत उद्धार फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में सुनिए। वसंत देसाई ने संगीत दिया है और नरेंद्र शर्मा ने इस गाने को लिखा है। ये गाना उद्धार फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आपको सुनवाया गया। लीजिए अब सुनिए अगला गीत लीला फिल्म से। आवाज है अमीर बाई कर्नाटकी की। संगीत दिया है सी रामचंद्र ने और गीत को लिखा है गोपाल सिंह नेपाली ने। ओ प्रीतम प्यारे छोड़ चले घर बार तुझसे दूर
से दूर जब से दूर क्यों आफत सर पे मोल ले तू मेरे वास्ते तू अपने महल में राज कर मैं अपने रास्ते क्यों आफत सर पे मोल ले तू मेरे वास्ते तू अपने महल में राज कर मैं अपने रास्ते तुझको सुख हो तो मुझको पिया परदेश भी मंजूर है मंजूर करती थी तुझको प्यार में बदनामी ले चली चोरी चोरी का खेल था जुर्माना दे चली करती थी तुझको प्यार में बदनामी ले चली चोरी चोरी का खेल था जुर्माना दे चली एक दिल था मेरा वो बिठोकरे खा के चकना चूर चकना चूर फागुन में होली खेलना सावन में झूलना जब जब चमकेगा चांद तू मुझको ना भूलना फागुन में होली खेलना सावन में झूलना जब जब चमकेगा चांद तू मुझको ना भूलना इस टूटे मन में अभी तुम्हारा प्यार है भरपूर है भरपूर प्रीतम प्यारे छोड़ चले घर बार तुझसे दूर और अब दर्द फिल्म से सुरैया और उमा देवी की आवाजों में सुनिए अगला गीत संगीतकार हैं नौशाद अली गीतकार हैं शकील बदायनी मोहब्बत के असर से जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से बेताब है दिल सोई हुई किस्मत को मेरी आके जगा जा आजा मेरी दुनिया में जरा लौट के आ जा तेरी राह गुजरते जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से बेताब है दिल ये कौन मेरे दिल मेरी आंखों में समाया ये किसकी निगाहों ने मुझे अपना बनाया बेगाना हुई जाती हूँ दुनिया की खबर से टकरा गई है किसकी नजर मेरी नजर से बेताब है दिल दम भर को तेरी याद से गाफिल नहीं रहती जो दिल पे गुजरती है ज़बान से नहीं कहती फरियाद भी होती नहीं रुसवाई के डर से जिस दिल से मेरा चांद
तुम्हारी नजर से बेताब है दिल। एक मौज है, एक राग है, एक रंग है जी में, हंसी हूँ खुशी में, गाती हूँ खुशी में। उठा है ये तूफान, उठा है ये तूफान, खुदा जाने किधर से टकरा गई ये किसकी नजर, मेरी नजर से बेताब है दिल, बेताब है दिल, दर्द मोहब्बत के असर से टकरा गई ये किसकी नजर, मेरी नजर से। गुजरे दौर की महान अभिनेत्री स्वर्गीय मुनव्वर सुल्ताना जी की आज पुण्यतिथि है। उनकी मृत्यु आज से 15 साल पहले यानी 2007 में आज ही के दिन हुई थी। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन पर फिल्माए गए गाने आपको सुनवाए गए। उनसे संबंधित जानकारी हमें देने के लिए मुंबई के शिशिर कृष्ण शर्मा और बेंगलोर के गजेंद्र खन्ना जी का शुक्र अदा करते हुए कार्यक्रम का आखिरी गाना आपको सुनवाना चाहती हूँ। स्वर्गीय कुंदा सहगल साहब की अमर आवाज में आज के दिन ये गाना सुनिए, माई सिस्टर फिल्म से। संगीतकार हैं पंकज मलिक, गीतकार हैं पंडित भूषण। मुझे इतना बता दे, ऐ कातिब तकदीर, मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। औरों को खुशी, मुझको फकत दर्द और रंजवां, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। हिस्से में सबके आई हैं, हिस्से में सबके आई हैं रंगीन बहारें, बदबख्तियां लेकिन मुझे शीशे में उतारे, पीते हैं, पीते हैं लोग रोज़ और शब मुसर्रतों की, मैं हूँ के सदा खून जिगर मैंने पिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, था जिनके दम कदम से ये आबाद आशियां, वो चहचहाती बुलबुल जाने कहीं कहां, जुगनू की चमक है न सितारों की रोशनी, इस धूप अंधेरे में है मेरी जान पर बनी। क्या थी, क्या थी, क्या थी सता के जिसकी सजा तूने मुझको दी, क्या था गुना के जिसका बदला मुझसे लिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है।
कार्यक्रम पुरानी फिल्मों का संगीत समाप्त होता है। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है। शॉर्टवेव 25 मीटर बैंड में 11905 के रहर्स और www.slbc.l के वेबसाइट पर। इस समय सुबह के 8 बजे हैं। सुबह का प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। अगली सभा कल सुबह 6 बजे आरंभ होगी। तो आज के दिन आपने हमारे प्रोग्राम को सुना, आपने भाग लिया, इसके लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं और कामना करते हैं आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। आज हमने तकनीकी सहायता प्रदान करे थे राजीवन आनायकर। ज्योति परमार को अब आगे दीजिए नमस्ते।